जानिए मधेपुरा लोकसभा सीट का राजनीतिक समीकरण। मधेपुरा को यादवों का लैंड कहा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में वोटर यादव है। मधेपुरा के लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटें आती है। इसमें आलमनगर विधानसभा की सीट, मधेपुरा विधानसभा की सीट, मधेपुरा सोनबरसा सहरसा और महिषी की सीट शामिल है। कहते हैं कि यहाँ का इतिहास महाभारत और रामायण काल से जुड़ा है। कहते हैं कि इस जिले का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। शहर में कई धार्मिक स्थल है। आपको बता दें कि पौराणिक काल में कोशी नदी के तट पर यहाँ ऋष्यशृंग का आश्रम हुआ करता था। ये भगवान शिव के भक्त थे और मान्यता है कि भगवान की उपासना भी किया करते थे। और इनके आश्रम स्थल का नाम श्रृंगेश्वर को बदलकर सिंहेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। और कभी सिकंदर शाह भी यहाँ पहुंचे थे। साल 2024 में मधेपुरा का विकास कार्य जारी है। मधेपुरा में ग्रीन स्लोप फेसिया का निर्माण किया जा रहा है। रबर बैंड में कोकोनट फाइबर यानी कि नारियल के रेशे से भरा जा रहा है। इसके तैयार हो जाने के बाद इसमें मिट्टी डालकर स्लोप बनाया जाएगा। निर्माणाधीन एनएच मधेपुरा में स्थित और एनएच को आकर्षक बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बारिश के दौरान हाईवे को कटाव से बचाने की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए ग्रीन स्लोप फेसिया काफी कारगर साबित होने वाला है। साल 2024 के चुनाव पर टिकी सभी की नजर। साल 2024 में एनडीए के प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा से है। ये जदयू पार्टी से आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने 3 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। ये फिलहाल जदयू से सांसद है। वहीं महागठबंधन में इस सीट पर राजद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। राजद ने मधेपुरा की सीट से कुमार चंद्र दीप को टिकट दिया है। बताया जाता है कि राजद की ओर से चुनाव लड़ने के लिए शरद यादव के बेटे शांतनु यादव भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन राजद ने कुमार चंद्र दीप को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव और कुमार चंद्र दीप के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मधेपुरा को दिवंगत नेता शरद यादव की विरासत के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने राजद के टिकट पर अपना आखिरी चुनाव लड़ा था। मधेपुरा की सीट पर यादवों का दबदबा देखने को मिलता है। ये यादव लैंड के नाम से मशहूर है। बीपी मंडल, लालू यादव, शरद यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जैसे कद्दावर नेताओं ने इस सीट से अपना प्रतिनिधित्व किया है। कहते हैं कि किसी का भी लहर हो लेकिन इस सीट पर कोई असर नहीं पड़ता। साल 1952 के चुनाव में पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बोलबाला हुआ करता था। उस दौरान यहाँ से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार किराई मुसहर ने जीत हासिल की। साल 2014 में यहां मोदी लहर के बीच पप्पू यादव ने जीत हासिल की थी। और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से जदयू के दिनेश चंद्र यादव की जीत हुई। इन्होंने राजद के प्रत्याशी शरद यादव को 3,01,527 वोटों से हराया था। और उसके बाद इस बार के मुकाबले में किस पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। साल 2019 में यहाँ 3 यादवों के बीच चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। इसमें शरद यादव, दिनेश चंद्र यादव और पप्पू यादव शामिल थे। वहीं इस बार के चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया की लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मधेपुरा का चुनावी खेल काफी अहम हो जाता है। अभी के लिए इतना ही। अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आपके अनुसार मधेपुरा की लोकसभा सीट से किस पार्टी का पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अब धन्यवाद।